नागपुर के ओल्ड पार्टी नाका से कलमना मार्केट के बीच निर्माणाधीन पुल बनने से पहले ही ढह गया। एक पिलर से गर्डर टूटकर गिरने लगा। संयोग से उस समय रास्ते पर वाहनों की आवाजाही कम थी, इसीलिए बड़ा हादसा टल गया। एक ट्रक चालक 5 सेकंड पहले ही पुल के नीचे से निकला था। इस घटना से परिसर के नागरिकों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते पुल ढहने की खबर पूरे नागपुर में आग की तरफ फैल गई। हजारों की तादाद में लोग जमा होने लगे। किसी प्रकार की जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन भीड़ को नियंत्रण करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जाता है कि इस पुल का निर्माण कार्य नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा है, जिसका ठेका GDCL कंपनी को दिया गया है। मंगलवार को रात 9:10 के दौरान अचानक सरजा बार के समीप स्थित पिलर से गर्डर की जुड़ाई टूट गई। रास्ते से गुजर रहे लोगों को कंक्रीट के पत्थर गिरने की आवाज़ सुनाई दी। एक व्यक्ति उस समय वहां से गुजर रहा था। पुलिस से मलबा गिरते देख वह रुक गया और उसकी आंखों के सामने ही गर्डर धराशायी हो गए। दूसरी तरफ के पिलर से भी जुड़ाई टूट गई, लेकिन लोहे के एंगल से अटका रहा, वरना पूरे के पूरे 9 प्लेट से जुड़े गर्डर जमीन पर धराशायी हो जाते। एक तरफ का हिस्सा गिरने से ही स्थानीय लोगों को जोरदार आवाज सुनाई दी। आसपास रहने वालों को कंपन महसूस हुई। लोग अपने घरों से बाहर निकले तो पुल ढहा दिखाई दिया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा होने लगी। खबर मिलते ही कलमना पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस को दंगा नियंत्रण दल को भी बुलाना पड़ा। पुलिस ने मार्ग पर आवाजाही बंद कर दी, चारों तरफ से लोगों को दूर खदेड़ दिया। पुलिस को डर था कि कहीं बचा हिस्सा भी ढह गया तो भीड़ के चलते बड़ी अनहोनी हो सकती है। घटना की जानकारी मिलने पर NHAI के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। देर रात तक जांच पड़ताल की जा रही थी। यह तो अच्छा हुआ कि पुल का काम पूरा नहीं हुआ था। यदि पुल पर आवाजाही शुरू होने के बाद यह हादसा होता तो न जाने कितने लोगों की जाने जाती। ना कैसे भी इसकी जानकारी तो हम नहीं दे सकते, कारण हम तांत्रिक परिपूर्ण व्यक्ति नहीं है, लेकिन इसके लिए जो भी यांत्रिकी तज्ञ लोग हैं उनकी एक समिति बैठा करके इसका तुरंत निराकरण करेंगे कि इसके लिए कौन दोषी है। इसमें काम करने वाली कार्यप्रणाली दोषी है, डिजाइन दोषी है, या काम करने वाला ठेकेदार दोषी है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई हम करेंगे। कि अभी अभी गिरा है इसलिए तुरंत दोषी तो नहीं मिलेगा। अगर तुरंत दोषी मिला रहे तो यहीं खड़े खड़े कार्रवाई कर देते। ये यांत्रिक विषय है और हम यांत्रिक तज्ञ नहीं है, इसलिए यांत्रिक तज्ञ व्यक्ति की नियुक्ति करके उसकी जांच कराई जाएगी और उस जांच में जो दोषी आएगा उस पर कार्रवाई करेगी। मागच्या 3-4 वर्षापासून हा पुलाचं काम बंद आहे, परंतु काही पार्ट यांनी केलेला आहे, त्या पार्टचं काम हे आता आपल्या समोर दिसत आहे। ज्या पद्धतीने हा 2 वर्षामध्ये माननीय पंतप्रधान मोदी साहेबांनी याचं उद्घाटन केलं होतं, 2 वर्षाच्या क्रायटेरियामध्ये हा पूल बनणार होता, परंतु तो पूल बनला नाही। एक देवाची कृपा चांगली झाली की हा पूल बनला नाही। जर हा पूल बनला असता तर हा आज जाण्या येण्याचा मार्ग राहिला असता, आणि ह्या जाण्या येणाऱ्या मार्गावरून ज्या पद्धतीने आता तो बघताय तुम्ही, तो पूल तुटला तर शेकडो लोक त्यात मृत्युमुखी पडले असते। आम्ही प्रशांत पवार साहेब आणि आमचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे लोक मागच्या वेळेस NHAIच्या माध्यमातून आम्ही निवेदनसुद्धा दिलं, डेप्युटेशनसुद्धा दिले, आणि त्यांना सांगितलं की हे वारंवार ज्या पद्धतीचं काम करते, कधी कॉलम पडते तर कधी स्लॅब पडते तर कधी कुठे काही होते, ह्या गोष्टीचं त्यांना निवेदन दिलं होतं की आपण ह्या गोष्टीकडे ऑडिट लक्ष द्यावं। माननीय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी साहेबांना पण सुद्धा निवेदन दिलं होतं, परंतु त्यांनी अजिबात लक्ष न देता त्याच कंपनीला ह्या जे SML आणि GDCL यांच्या JV च्या याच्यात कंपनीमध्ये हे काम। इतना बडा ट्रॅफिक चलता ये कलमना मार्केट रोड पे, अभी ये तो कृपा भगवान कृपा समझिए या पुलिस के सहकार समझिए कि कलमना मार्केट का कार्य बंद है और इन्होंने ट्रैफिक उधर से कंट्रोलिंग करके रोका हुआ था। अगर कहीं ट्रैफिक उस समय पे चालू होती तो कम से कम यहाँ पे सैकड़ों जाने जाती थी, उसका जवाबदार कौन होता था? इसका जवाब केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी और नरेंद्र मोदी साहब को देना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और ये करोड़ों का भ्रष्टाचार है। इसको बता रहे थे हम लंदन सिटी दिखाएंगे, हम ये करेंगे, इतना बड़ा अच्छा लोग देखने आएंगे इस पुलिया को। आज देखिए इसका अगर आप जस्ट कंस्ट्रक्शन देखेंगे, बहुत ही रद्दी टाइप का कंस्ट्रक्शन इसका दिखेगा। और आपको
नागपुर को एक सौगात बोले थे हमने देंगे, और वहाँ पे मोदी जी ने इसका कस्तूर चंद पार्क में भूमि पूजन किया था, वहाँ से रिमोट से बटन दबाया था, वही रिमोट सिस्टम से पुलिया गिर गई है। मोदी जी आज आप आइए और वो रिमोट दबा करके इस पुलिया को उठाइए और इसको जोड़िए, तब आपका कार्य समझ में आएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आम जनता का पैसा है ये, हम लोगों के जेब से पैसे खींच खींच करके, हम लोगों के खून पसीने कमाई टैक्स के रूप में ले ले करके ये कार्य किया जा रहा है, और बारम्बार इसका टाइमिंग 4 साल इसको लेट हो चुका है। 4 साल इस कार्य को पहले ही हो जाना चाहिए था, 4 साल लेट हो गया, उसके बाद भी इसका कार्य पूरा नहीं हुआ, और अभी भी ये पुलिया हिल रहा है। आप इधर पीछे देखेंगे, ये पुलिया हिल रहा है, ये कभी भी स्लैब गिर सकता है। आज कल यहाँ से कोई भी निकलने की हिम्मत करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बहुत लोगों के अकेला बच्चा है, अगर किसी का बच्चा इसमें दब जाता उसके घर का दीपक अंधेरा हो जाता, उसका भरपाई कौन करेगा? इसकी जाँच होनी चाहिए, और हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से मांग है।